तू चाहे 10,000 रोबोट और 10,000 किलिंग मशीन लिया, लेकिन उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर अगर उसने हमारा मिलिट्री बेस बनाया तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे लेकर आऊँ उसे? यारो तुम लोगों को मालूम है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है ये, लेकिन क्या है मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, तुम लोग बताइयो ठीक है ना। पहले मैं तुम लोगों को पूरी की पूरी कहानी बता देता हूँ। तुम लोग तो जानते हो मैंने और सायरन हेड ने मिलकर ये मिलिट्री बेस बनाया है, और इस मिलिट्री बेस को बनाने के लिए कह रहा है कि हम लोगों को डॉक्टर डूम की ज़रूरत है। डॉक्टर डूम अब अगर हमारा मिलिट्री बेस बनाएगा तो ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री बेस होगा। मैं कैसे डॉक्टर डूम को लेकर आऊँ यार? डॉक्टर डूम वैसे मेरे पास है, तुम लोग जानते हो पिछली वीडियो में डॉक्टर डूम मेरे को मिला था और मैंने उसको टिप्सन को दे दिया था, क्योंकि टिप्सन है ना उसको पकड़ के रख रखा है, क्योंकि आने वाले वक्त में डॉक्टर डूम हमारा दुश्मन बन जाएगा, वो भी सबसे बड़ा दुश्मन, और वो क्या हाल करेगा हमारा तुम लोग जानते ही हो ये सब। यारों मेरे को जाना पड़ेगा, टिप्सन के पास जाना पड़ेगा और उससे डॉक्टर डूम को लेकर आना पड़ेगा, चाहे एक दो दिन के लिए लेके आऊँ लेकिन लेकर आना पड़ेगा। कतई सायरन हेड को देना पड़ेगा, सायरन हेड ना एक दो दिन में ही पूरा का पूरा मिलिट्री बेस बना लेगा, फिर आएंगे मजे ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से टिप्सन के पास डॉक्टर डूम का मिलिट्री बेस बनाने के लिए। कतई गजब बात है ना, डॉक्टर डूम वो भी एक मिलिट्री बेस बनाएगा, मजेदार डील है यार। टिप्सन, ओए टिप्सन, यहाँ पर तुम लोगों को टिप्सन नजर आ रहा है? यहाँ से यार टिप्सन नजर ही ना आता है, बताना काहे का। टिप्सन बहुत नेक्सा सा है ना, इसलिए शायद मैं इसको नीचे उतारता हूँ। ओए हेलो, तेरी पैंट क्या, मैं कहते ये क्या कर रहा है यार, मेरे को नीचे क्यों फेंक दिया, मैं ठो गया कहीं काम से या अरे रे कतई बहुत जोरों की गिरा हूँ ऊपर से, बहुत दूर से गिरा हूँ ऊपर से। टिप्सन अबे अब तो मिल जाइए ये टिप्सन, पता ना किधर ही निकल लिए, जल्दी से भाग कर जाना पड़ेगा। थक गया मैं कहीं भागते भागते, वो रहा टिप्सन का घर आ गया। अबे मैं आगे क्यों निकल गया यार, कितना आगे जाऊँगा कितना आगे जाऊँगा, कतई मंजिल तो पीछे ही छूट गई मेरी। टिप्सन ओए टिप्सन, टिप्सन यहाँ पर टिप्सन क्या, टिप्सन का नामो निशान ना दिख रहा यार, यहाँ पर टिप्सन नहीं है तो फिर गया किधर टिप्सन? अबे तेरी भैंस की आँख, टिप्सन टिप्सन नहीं है तो फिर हाँ हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं सेंटा क्लोज के पास। हाँ सेंटा क्लोज हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सेंटा क्लोज के पास भी तो डॉक्टर डूम है। मेरा मतलब है कि टिप्सन है ना सारी की सारी न्यू अपडेटें सेंटा क्लोज को ही तो दे देता है, और सेंटा क्लोज ही हम सब में न्यू अपडेटें बांटते हैं, तो इस हिसाब से सेंटा क्लोज के पास ही डॉक्टर डूम की न्यू अपडेट होगी। तो हम लोग सीधा चलते हैं डॉक्टर डूम की न्यू अपडेट लेने के लिए सेंटा क्लोज के पास। लेकिन मेरे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि टिप्सन किधर गया है यार, टिप्सन को तो उधर ही होना चाहिए, वो तो हमेशा से उधर ही रहता है, आज पता नहीं क्यों अदृश्य हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है हमारे बायस्टाउन में। जब से मैं बायस्टाउन से गया हूँ ना कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है यार, बड़ी अजीब और गरीब चीज़ें हो रही हैं हमारे बायस्टाउन में, जो भी हो रहा हो ये सब छोड़ो, जल्दी से अभी चलते सेंटा क्लोज के पास और न्यू अब। अरे यार फिर से गिर गया, अरे बस यार इतना कितना गिरूंगा, कैसे गिर सकता हूँ इतना मैं। सेंटा क्लॉज, ओ सेंटा क्लॉज कहाँ भाग गए यार सेंटा, यार ये किन्ने लगाई है, जिन्ने भी लगाई है बड़ी भयंकर तरीके से लगाई है। सेंटा ओ सेंटा क्लॉज, ओ ये रे सेंटा क्लॉज, अच्छा वो मिल गया यार, मेरे को डॉक्टर डूम चाहिए अभी के अभी, मेरे को डॉक्टर डूम। ओ शुक्रिया यार, मैं जरा लेके जा रहा हूँ ठीक है ना, चलो ठीक है यार। डॉक्टर डूम को तो मैंने ले लिया है कतई, अब हम लोग जल्दी चलते हैं माफिया सिटी वॉर, वहाँ पर चलते हैं सायरन हेड के पास और उसको ये डॉक्टर डूम दे देते हैं। लेकिन इसने मेरे को वाकई में बहुत परेशान किया है जब मैं बायस्टाउन में था, कतई इसको तो हाँ एक काम करता हूँ, ये उड़ाने वाली बंदूक से ना इसको ही उड़ा देता हूँ, कतई उड़ते रहे हवा में कतई पूरी ज़िंदगी अब उड़ते रहे ठीक है ना, ये तो उड़ता रहेगा। लेकिन मेरे को भी उड़ना है, मेरा मतलब मेरे को कतई हेलीकॉप्टर से उड़ के यहाँ से निकलना है, कतई सायरन हेड के पास भी जाना है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं अपन लोग सायरन हेड के पास और कतई उसको देते हैं ये डॉक्टर डूम की न्यू अपडेट, फिर आएंगे असली मजे। लेकिन लेकिन हेलीकॉप्टर किधर गया, हेलीकॉप्टर तो इधर ही कहीं क्रैश हुआ था ना हमारा, और ये रहा कतई पीछे ही पड़ा था मेरे। और हेलीकॉप्टर तेरे को क्या हो गया, अबे सीधा भी हो जाए यार,
ये यहाँ पर तो सीधा होने का ना रहा। एक काम करता हूँ मैं ना, वो अपनी हवा में उड़ाने वाली बंदूक को निकालता हूँ, कहाँ गई ये रही, अब है ना इसको कतई पकड़ता हूँ, कहाँ गई ये रहा। ओए जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जा हेलीकॉप्टर, और कतई इसको अब मैं फेंक देता हूँ। ओए नहीं यार उधर थोड़ी ना जाना है तेरे को, तेरे को जाना है इधर। हाँ अब देखो ये बिल्कुल स्मूथ जमीन पर आ गई, अब कतई इसको ऐसे उछाला और कतई ये सीधा हो जा। अरे प्लीज़ भैया सीधा हो जा। हो गया, बैठते हैं और जितनी जल्दी हो सके निकल लो यार इधर से। बाइस टाउन जब जब आता हूँ ना, कितनी मेरा दिमाग की ऐसी कि तैसी हो जाती है, मैं सही बता रहा हूँ तुम लोगों को। पता नहीं यहाँ के लोग बागी कैसे हैं। चलो कुछ ना यार, सेंटा क्लोज ने हम लोगों को डॉक्टर डूम की न्यू अपडेट तो दे ही दी, अब हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने मिलिट्री बेस और सायरन हेड से कहते हैं ले भैया अब तू बना फटाफट जो बनाना है इसका। वैसे डॉक्टर डूम का अगर मिलिट्री बेस बना तो वाकई में बहुत पावरफुल बनेगा, लेकिन यहाँ पर फिर से फेंक दिया मेरे को। अबे कहाँ तक जाऊँगा मैं, क्या लगता है तुम लोगों को, मरा इस बार तो मैं। ओ बच गया, बड़ी भयंकर तरीके से बच गया। वो तो अच्छा हुआ मेरा ये सूट मेरे पास है, कसम से अगर ये सूट मेरे पास ना हो ना मैं एक दिन ना टिकूँ यार, बड़ी भयंकर तरीके से गिरता हूँ जब भी गिरता हूँ मैं, बहुत जोर जोरों की लग जाती है यार, तुम लोग तो समझ ही सकते हो। खैर ये देखो मैं आ गया यार मिलिट्री बेस में आ गया, बड़ी मेहनत के बाद पहुँचा हूँ इस मिलिट्री बेस में। अब जल्दी से इसके नीचे चलते हैं, आ रहा हूँ मैं मिलिट्री बेस, कहीं भागी हो मती यार। सायरन हेड, ओ सायरन हेड, तुम लोगों को यहाँ पर कहीं पर सायरन हेड दिखाई दे रहा है, सायरन हेड। ओ अच्छा वो मिल गया सायरन हेड, ये देख डॉक्टर डूम बड़ी भयंकर तरीके से लेके आऊँ यार, मैं ही जानता हूँ मेरे पास क्या बीती है इसको लाने में। तो इसका एक मस्त मिलिट्री बेस बना यारों, इन लोगों ने तो अपना काम भी स्टार्ट कर दिया, अब कतई मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल थलुआ हो गया यार। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक बहुत अर्जेंट काम आया है, मैं ना सीधा यहाँ से चलता हूँ और कसिनो चलते हैं यार, सबसे बेहतरीन कसिनो रहेगा, मज़ेदार कसिनो में कतई ठंडी ठंडी एसी की हवा लेंगे, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, और काम करने के बाद तो गर्मी भयंकर लग जाती है, कतई मस्त है। यहाँ पर गिरूंगा, अबे यार तेरी पैसियाँ, कतई किधर किधर जाता रहता हूँ मैं, गिरता पड़ता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं कितनी बार गिरा हूँ तुम लोग मेरे को बताओ, कतई कमेंट करके बताओ कि 10 बार गिरा, 50 बार गिरा या 3-4 बार गिरा, कितनी बार गिरा तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं तो जा रहा हूँ कसिनो को, तो चाय पीऊंगा आराम से सो जाऊंगा यार कसिनो में, वैसे भी मेरे को नींद बड़ी भयंकर आ रही है। और हाँ गुड डे आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक लिए गुड डे आ रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कर दियो, क्योंकि अगर तुम लाइक करोगे तो वीडियो अच्छी चलेगी, समझ रहे हो ना तुम लोग। और तुम लोगों को मालूम है जो मेरी पुरानी वीडियो हैं, अगर तुम उनको देख लेते हो एक बार, तो मतलब तुम लोग खुद एक बार ट्राई करके ज़रूर देखियो मेरी पुरानी वीडियो को, बड़ी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो है पुरानी वीडियो, तुम लोग ट्राई करके देखो ठीक है ना। शुरुआत की जो पहली दूसरी तीसरी वीडियो है ना, कतई वो एक बार वाकई में ट्राई करके देखो यार, तुम लोगों को बड़े मज़े आएंगे, और तुम इन वीडियो को भी देखो यार प्लीज़।